सब्सक्राइब करिए विशाल कामदार चैनल को और दबाइए साइड में नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब की 3 सेटिंग्स। तो आज हम आपको यूट्यूब की सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे। तो हम हमारी जीवन में जिन चीज़ों को काम में लेते हैं उनके बारे में हमें भी पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जो लोग स्मार्टफोन रखते हैं वो यूट्यूब ज़रूर देखते होंगे, जिनमें कोई ऐसी सेटिंग्स होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो पहले इस सेटिंग की बात कर रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्ट मोड है। तो इसमें मैं बताऊँगा रिस्ट्रिक्ट मोड है क्या और इसे कैसे ऑन करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट मोड इसकी बात करें तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपको यूट्यूब पर सीसीटीवी वीडियो नहीं दिखाई देगी। सेटिंग चालू होते ही जितनी भी 18 प्लस वीडियो है सब गायब हो जाएगी, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट भी नज़र नहीं आएगी। तो अब इसको कैसे चालू करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको YouTube ओपन कर लेना है, उसके बाद आपके लोगो पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो सेटिंग दिखाई देगी, सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग, उसके बाद फर्स्ट में जनरल में आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ चैनल में और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो, मैं नीचे स्क्रॉल कर तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा रिस्ट्रिक्ट मोड। तो इसे ऑन ऑफ करना है जैसे आप कर सकते हो। तो जो सेकेंड सेटिंग की बात कर लेते वो डबल टू सिक। इस सेटिंग को चालू करने के लिए जनरल सेटिंग में जाकर डबल टैप टू सिक पर जाना होगा। इसके अनुसार टाइम का चयन कर सकते हैं। अब आप जब कभी भी डबल टैप करोगे तो आपको चयन किए हुई समय के अनुसार वीडियो बैकवर्ड व फॉरवर्ड होगी। तो चलो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। तो चलो फिर यूट्यूब पर चलते हैं। YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग, उसके बाद फर्स्ट में आपको क्लिक करना है जनरल। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डबल टैप टू सिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैप करोगे तो यहाँ पे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड जैसे वीडियो निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो। तो मैंने 10 सेकंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो उसके बाद सिंपल सा मैं कैंसिल कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कैसे काम आता है। तो सिंपल सा मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ, कोई एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो तो यही वीडियो, तो मैं कुछ उस पर सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक होने के बाद ये थोड़ा लोड हो रही है तो वीडियो लोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अब मान लो ये वीडियो मेरे को थोड़ा आगे काटना था, इसको मैं डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो 10 सेकंड की वीडियो कट गई। तो ऐसे करके ये यूज़ कर सकते हो। तो जो मैं लास्ट सेटिंग की बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, वो है एबल स्टेटेड फॉर नेबल्ड। इस सेटिंग को चालू करने के बाद जो वीडियो यूट्यूब पर दिखेंगी उसकी सारी जानकारी जैसे कि वीडियो कितने पिक्सल का है, कितने फ्रेम टॉप हो रहा है, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट जैसे के अलावा भी कोई जानकारी आप देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कैसे आपको ये ऑन करना है। तो चलो फिर यूट्यूब के ऑन करते हैं। सिंपल सा आपको सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आपको जनरल में ही चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ऊपर जनरल, उसके बाद नीचे नीचे स्क्रॉल कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो एबल सेटिंग्स फॉर नेबल्ड। तो इसे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जैसा करना आपको। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा शेयर करें और हो सके तो कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।